नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के एक अस्पताल में भर्ती मरीज को दूसरे मरीज की रिपोर्ट बताकर मरीज के परिजनों से बदतमीजी से बात करने पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा बदतमीजी करने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद परिजन शांत हुए। बताया जाता है कि रामनाथ नामक एक व्यक्ति को पेट दर्द के बाद जबलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया जाता है। मरीज की जांच के बाद डॉक्टर कैलाश मिश्रा द्वारा मरीज के परिजनों से कहा जाता है कि मरीज की हालत बहुत खराब है, जल्दी से रुपयों का इंतजाम कर लो, नहीं तो आपके मरीज का काम डल जाएगा। अस्पताल के डॉक्टर द्वारा परिजनों से इस प्रकार की बात करने के बाद परिजन नाराज हो गए और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग करने लगे। मरीज के परिजनों ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टर कैलाश मिश्रा द्वारा उनसे कहा गया कि आपके पिता का 2015 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, रुपयों का जल्दी प्रबंध कर लो वरना काम डल जाएगा। मरीज के परिजनों का कहना था कि उनके पिता का कभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ ही नहीं, तो किस बात के लिए डॉक्टर इस तरह की बात कर रहे हैं। अस्पताल में काफी देर गहमा-गहमी के बाद परिजन अपने मरीज को दूसरे अस्पताल में ले गए। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। रामनाथ, ठीक है, अपने एक स्टाफ है जो जिन्होंने उनका इको का रिपोर्ट बेसिकली SI-ICU सेकंड में रिपोर्ट जाना था, उनके पास रिपोर्ट चला गया था, पर पेशेंट का इसमें कोई इससे आपके इम्पैक्ट क्लिनिकल में नहीं आता, ठीक है, पेशेंट का इको नहीं हुआ था, गलती से के नाम दोनों का सेम एक जैसा था, तो उनका रिपोर्ट इसमें रिपोर्ट में चला गया था, इतना ही हुआ था चीज़ें। और डॉक्टर साहब जो कैलाश मिश्रा सर है, उन्होंने एक शब्द का यूज़ किया है जिसकी वजह से सभी एडवोकेट साहब लोग आए हैं कि पेशेंट का अभी सीरियस कंडीशन में है, इस तरीका का है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और एक लैंग्वेज क्या यूज़ किया था, तो इस तरीके का लैंग्वेज यूज करने के कारण हमारे मैनेजमेंट उसके ऊपर एक्शन जरूर लेंगे और जरूर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उससे बात करेंगे पर्सनली, इस तरीके का वर्ड मैनेज उसे ना करें, ठीक है, इतना ही। सर आपका नाम? और मेरा नाम आस्तिक बोस, एडमिनिस्ट्रेटर जबलपुर हॉस्पिटल। थैंक यू। मैं आप लोग को इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि डॉक्टर साहब ने इस तरीके का लैंग्वेज यूज किया है, तो इसके विषय में अपने मैनेजमेंट जरूर उनसे पर्सनली बात करेंगे, और कुछ भी होगा तो चीजें आप जानकारी इनको मैं दे दूंगा इसके लिए, क्योंकि इस तरीके का वार्ड अन्यथा ना करे, इसके मरीजों को बुरा लगे और बाकी पब्लिक को बुरा लगे। धन्यवाद। डॉक्टर कैलाश मिश्रा द्वारा बोला गया बहुत जल्दी इंतजाम कर लो, 10 दिन के अंदर काम चल जाएगा पेशेंट का, ये सब डॉक्टर कैलाश मिश्रा द्वारा बोला गया। आपके कौन एडमिट है? पापा एडमिट है। क्या नाम है? रामनाथ। क्या बीमारी? रिपोर्ट बनाई गई है वो किसी और डॉक्टर की, किसी और की रिपोर्ट को जोड़ के बता रहा जा रहा है, जबकि हमारी रिपोर्ट को पापा का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, सब चीज़ें, वही रिपोर्ट में ये बताया गया इनके द्वारा कि इनका 2015 में ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, जबकि कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस हार्ट का ये बताकर हमसे पैसे की डिमांड की जा रही थी कि 7-8 लाख रुपये का बंदोबस्त कर लो, अगर तुम्हारा CGS कार्ड नहीं जाता तो पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पापा का काम नहीं आएगा। ये सब हैं डॉक्टर कैलाश मिश्रा के। नहीं तो पापा को क्या था? पापा को पेट में दर्द है। अच्छा, पेट में दर्द को लेकर आपको कैसे जानकारी लगी कि इनने गलत रिपोर्ट बनाया? हमने रिपोर्ट देखे, जब पंडा के देखे तो उसमें दिया रहा 2015 में पापा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, जबकि पापा का आज तक कभी कोई हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ, ना हार्ट के लिए कभी एडमिट किया हॉस्पिटल में, पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट किया। आपका नाम? रविकांत भगत। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।